वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है ये और कंटिन्यूएशन उसका ही चालू है। वी हैव रीच्ड टू दिस टॉपिक क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी और ये सारे जो टॉपिक्स जो अभी लास्ट लेक्चर से चालू किए, फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल फ्यूल्स और आई कैन से पोल्यूशन कंट्रोल में कैसा यूज़ किया, इट्स मोर अबाउट आई कैन से अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड राइटिंग, पुटिंग योर आइडियाज़ इन अ वेरी प्रॉपर वे। अगर आपने एग्जाम में इन चीज़ों को एकदम प्रॉपरली लिख दिया, यू विल स्कोर मार्क्स। इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको याद करना या रटना पड़ेगा। लॉजिकली सोचते जाओ और आंसर्स को लिखते जाओ। अगेन या एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इन योर होम एंड सबमिट इट इन क्लास। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया बिकॉज पॉल्यूशन बहुत हुआ। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हमारी बहुत ग्रोथ हुई। अभी ये टेक्नोलॉजी है कि हियर आई एम, मैं यहाँ सिखा रही हूँ और आप घर बैठकर सुन रहे हो, इट्स ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के सक्सेस मतलब उसके विस्तार के साथ हमारे साथ ई वेस्ट, कचरा और आई कैन से पोल्यूशन भी उसी स्पीड से बढ़ा जिस स्पीड से हमने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू दैट, दैट इज दैट इज द सेम लाइन विच इज रिटन, ह्यूमन बींग्स हैज मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, हाउ एवर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद सेम स्पीड। लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें जो आपको यूज नहीं हुए हैं अननेसेसरी, या तो अगर इस एक ही चीज़ से अगर आपका काम चल रहा है तो भाई नई चीज़ ले उठाकर मत ले आओ। कितना सारा वेस्ट रबर का होता है, कितना सारा वेस्ट प्लास्टिक का है, ये जा कहाँ रहा है? अगर आप इसको एक मिनट के लिए भी सोचोगे तो नेक्स्ट टाइम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदने से पहले आप भी एक बार आप भी अलर्ट हो जाओगे। नाउ कमिंग टू दिस, लेट अस सी वेज ऑफ कंट्रोल हाउ एयर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो पोल्यूशन हो रहा है ना, इसमें भी हमें माइक्रोब्स का रोल है। नाउ लेट्स स्टार्ट। माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डीकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स दे हैव। इन माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आइडेंटिफाई किया गया कि ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको इंट्रोड्यूस किया गया कि अब तुम क्या करो, हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प करो। सो यस, माइक्रोब्स आर हेल्पिंग यू। नाउ कमिंग टू दैट, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटी। सी मेनी इंडस्ट्रीज, जो बहुत सारी टेक्सटाइल है, केमिकल इंडस्ट्री है, ये सब एक्चुअली वेस्ट कैसा जनरेट करें जिसमें केमिकल है। अगर ये केमिकल बिना ट्रीट किए समुद्रों में या नॉर्मल एक जगह पे डाल दिया गया तो आगे चलकर ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होगा। और आपसे आई डोंट थिंक आपसे कुछ छुपा है, एक्वाटिक लाइफ का कितना इफेक्ट हुआ, हमारा मरीन कल्चर पूरा बर्बाद हुआ है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन विच आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। और माइक्रोब्स ने क्या किया, ये जो केमिकल्स हैं उनको दे अल्टर इन दैट फॉर्म, डीकम्पोज इन दैट फॉर्म विच इज लेस टॉक्सिक, विच इज नॉन टॉक्सिक ऑल्सो। मेटल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स। सल्फर इज वेरी डेंजरस और बहुत ही आई कैन से बहुत ही नुकसान है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर ऐसा फ्यूल मैं बोलूँ कि अगर समुद्रों में पानी में अगर ऐसे स्प्लिंड आउट हो गया तो जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, पानी के ऊपर जैसे ही एक ऑयल की परत हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जो एक्वेटिक लाइफ एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी उनकी ग्रोथ रुकती है, वो मर जाते हैं। कमिंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक। ये यूरेनियम आपको एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट होते हैं वहाँ से मिलता है। लीच इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड।
मेटलोलॉइड्स क्या होते हैं, दिस हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का जो इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं मेटलॉइड. These are converted into compounds before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. तो यहाँ पे thiobacilli और sulfobacilli, see, sulfo मतलब very specific with sulfur. तो इनको use करके ये जो leaching हो जाएगी, leaching मतलब निकल जाना एक चीज का, मतलब जैसे मैंने क्या बोला था, सॉइल में कंटा पॉल्यूटेंट्स की लीचिंग हो जाएगी तो सॉइल कंटामिनेट हो जाएगा. तो अगर ये ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में हमारे घुस गए ये हैवी मेटल्स तो फिर से पॉल्यूशन होगा. एंड कमिंग टू द सेकेंड थिंग ऑल्सो, ये अगर कॉपर आयरन, ये आई कैन से यूरेनियम जब एक्वेटिक लाइफ के में जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स में जाएगा, फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली, डोंट गो हियर एंड देयर, वो अल्टीमेटली आने वाला हमारे पास ही है क्योंकि हम सब एक फूड चेन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो एक को इफेक्ट मतलब सबको इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे माइक्रोब्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं. Which materials, yeah, this was the question, which material should not be present in the garbage for its proper microbial decomposition? See, for example, plastic, glass, ये सब कुछ ना रहे, इसीलिए तो dry waste और wet waste का concept आया, किसको segregate करके रखो. Now, how the sewage generated in your house or apartment is disposed of? सेप्टिक टैंक होता है जो आपके जो टॉयलेट और वॉशरूम से जो वो पूरा एक कलेक्ट होगा और ये आगे चल के मतलब सबके सबका कलेक्ट करके वो धीरे धीरे हर बिल्डिंग का, एक रेजिडेंशियल एरिया का, उसको जाके शहर कलेक्ट करेंगे. उसके बाद वो मतलब वो जो नाली से उसको जाता है और एक सेप्टिक टैंक में वो एट द एंड पहुँचता है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है. एंड देन इट इज़ प्रोसीड फॉर दी फर्दर, मतलब बायोफर्टिलाइजेशन और मैन्यूर फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं. तो सेप्टिक टैंक बहुत यहाँ पे इसका आंसर इज बेसिकली अ सेप्टिक टैंक इज़ यूज. नाउ लेट्स मूव अहेड. यस, दिस इज़ वन ऑफ द, इफ यू विल, अगर आप न्यूज़पेपर के थोड़े फ्रीक्वेंट रीडर हो तो ऐसी न्यूज़ ना बहुत आती है. व्हाट इज़ दिस, यू मस्ट हैव सीन और रीड द न्यूज़ ऑफ, रेड द न्यूज़ ऑफ डेड फिशेस और ऑयली वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सी कॉस. व्हाई डज दिस हैपन, हुआ क्यों है, क्या हो रहा है अभी भी. सी, थोड़ा सा टॉपिक के इधर है, थोड़ा सा अलग है. अभी ये इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई केमिकल बना रही है तो उसने अपना केमिकल बना लिया, जो बायो प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट उसको नहीं चाहिए तो उसने क्या किया, उसने उसको रिलीज कर दिया इन्वायरमेंट में, सी कोस्ट, समुद्र में डाल दिया. अब ये क्या करते हैं, जब वो केमिकल है, अब डिपेंड करता है कि कैसा केमिकल है, उसने एक परत लगा ली, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक्वेटिक लाइफ नहीं मेंट, जो नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ के लिए चाहिए था वो उसे मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उसमें वो डेड, वो मर जाएंगे. और अगर बचे भी तो दो होगा, या तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या तो टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगी कि वो बेचारे मर जाएंगे. तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड बहुत ज़्यादा इसके लिए अवेयर होने की बात है. और एक एक्स्ट्रा आपको और बताती हूँ, जब भी कोई इंडस्ट्री को, सी हर इंडस्ट्री के पास लाइसेंस होता है उस केमिकल को बनाने का, तो उनके लाइसेंस में ये भी बात होती है कि भाई आप जो केमिकल बनाएंगे उसका जो वेस्ट निकलेगा ऐसे आप नहीं डाल सकते, नॉर्मल इन्वायरमेंट में ऐसे ही मत फेंक दो क्योंकि आगे चल के सबकी लाइफ इफेक्ट होने वाली है. तो कभी कभार जो कंपनी फॉलो नहीं करती रूल, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते. तो मैं अभी भी बोलूँगी देयर विल बी अ मोरल एंड एक लीगल, एक बोलते हैं ना सपोर्ट, एक वो होना ही चाहिए कि यस आई शुड नॉट डू दिस. फर्स्ट इट शुड कम फ्रॉम अस ओनली, मोरल एंड यस लीगली, मतलब एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी ही चाहिए टू protect our environment. Coming to that,
Spilling of petroleum oil occurs in the ocean due to the various reason. This oil, बहुत सारे reason होंगे, कभी कभार mining के कारण होता है, कभी कभार industrial waste के कारण होता है. This oil may prove fatal and toxic to the aquatic organism. It is not easy to remove the oil layer from the surface of water by mechanical method. Mechanically, अरे भाई समुद्र कितना बड़ा है, उसको mechanically कैसे निकालोगे? और बहुत time consuming होगा. टाइम कंज्यूमिंग के साथ रिस्क फैक्टर, मतलब जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी लाइफ को आप एकदम रिस्क में डाल रहे हो. तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है ए. हाउ एवर बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास एल्कानोवेरिक्स हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पिरिडेंस एंड अदर केमिकल्स विच आर जस्ट, उनको डंप कर दिया जाता है आपके एक्वेटिक लाइफ में. Hence, this bacteria are used to clear the oil spills. These are called hydrocarbonoclastic bacteria, HCB. HCB decompose the hydrocarbons and bring about the reaction. Hydrocarbon oil, yes, hydrocarbon oil, उसको break करके वो hydrogen and carbon dioxide बनाते हैं. तो carbon जो है वो रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन CO2 एंड वाटर इज फॉर्म. तो अगेन जो टॉक्सिक सब्सटेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन टॉक्सिक से. और उसके हीरो कौन है इसमें, एल्कानोवेरिक्स, सुडोमोनास, ये सारे नाम बच्चों आपको नाम तो याद करने होंगे, इसके लिए ना तो आपको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद करना है और नोटबुक पर लिखना है. Plastic bottles are formed from the chemical substance PET, polyethylene, terephthalate, polyester. Nowadays, most of the urban garbage consists of plastic. It has been observed that species like Vibrio, Ideonella, Saccharinensis can decompose the PET. Similarly, species of bacteria like Actinomycetes, Streptomyces, Nocardia, Actinoplasts have the ability to decompose the rubber from the garbage. वो गाड़ियों में जो टायर और ये सब हैं, basically वो रबर ही है ना, उसका जब भी वेस्ट निकलता है तो सोचिए, एक जो आप पेन से लिखते हो वो प्लास्टिक से स्टार्ट होता है वेस्ट और वो जाता है आपके गाड़ी तक. तो इसीलिए हमें जिस चीज़ों की आवश्यकता हो उन्हीं को खरीदना है और उनको, ताकि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें. और नाउ लेट्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड द मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस. ताजमहल पे जो एसिड रेन होता है वो आपको सबने अपने सुना होगा. इससे क्या हुआ, ताजमहल किसका बना हुआ है, संगमरमर के पत्थरों का, तो वो बहुत सफ़ेद है. वहाँ पे जब वो एसिड रेन हुई तो उसमें पैचेस पड़ गए येलो कलर के. ये बहुत बड़ा नुकसान है, एसिड रेन है. एंड या इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड मटीरियल्स कमिंग आउट ऑफ द माइन. You know that erosion of metal present in the statue, bridge and buildings occurs due to it. तो मैंने एक ताजमहल का एग्जाम्पल दिया. स्टैचू में भी देखो कई सारे, इसीलिए तो उनका मेंटेनेंस किया जाता है ना. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफाइलम स्पीशीज एंड एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेज ऑक्सीडेनेज. अब ये आप लोग को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी है, मतलब उसको खा के, उसको कंज्यूम करके उसे एनर्जी मिलती है. ये बात पता चल गई, ये आइडेंटिफाई हो गया, ये डिस्कवर भी हुआ. कहाँ पे, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में. फिर मैंने उसको अप्लाई कहाँ किया, इंडस्ट्री में उसको एप्लीकेशन दिया और मैंने यूज़ किया उसको एसिड रेन से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए. हियर दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू acid rain. Water soluble salts of uranium are present in the waste produced during the electroplating. Electroplating मतलब समझते हो, for example, आपके पास कुछ ऐसे भी ornaments होते हैं, कुछ ऐसे भी दागिने होते हैं. मराठी इज दागिना और आई कैन से इन हिंदी इट्स गहने आपके जो होते हैं कभी, वो गोल्ड प्लेटिंग होती है.
बोलते हैं ना सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, वो असली वो किसी और मेटल के होते हैं और उस पर सोने का रंग चढ़ाना, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, वो जो है उस प्रोसेस को एक्चुअली बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नॉट ओनली स्पेसिफिक विद योर ऑर्नामेंट्स बट विद अदर थिंग्स ऑल्सो, जहाँ पे कोटिंग की जाती है एंड इन इफ्लुएंट रिलीज इन द एनवायरमेंट फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। तो यूरेनियम कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा एंड फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म, इसके लिए भी सोल्यूशन है जियोबैक्टर। Geobacter is going to convert the salts of uranium into insoluble salts and thereby prevent those salts from mixing with the groundwater source. अगर अभी ये जो पूरा है ना, इसको थोड़ा सा एकदम सिंप्लीफाई करती हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एटॉमिक एनर्जी प्लांट से यूरेनियम नाम का एक मेटल आपको मिला, वो मेटल वाटर सोल्यूबल है। अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो सॉइल में जाएगा, वाटर से डिजॉल्व हो जाएगा और टॉक्सिसिटी देगा जो भी इसको कंज्यूम करेगा, मतलब हम तक तो आएगा ही। वाटर सोल्यूबल मतलब वाटर में घुलने वाले। मैंने ऑर्गेनिज्म यूज किया जियोबैक्टर, जियोबैक्टर यूज करके मैंने उसको वाटर इनसोल्यूबल, अब तो वाटर में घुल नहीं पाएगा यूरेनियम, मैंने उसको उस स्टेज में ला दिया। और मैंने क्या प्रिवेंट कर दिया? मैंने सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को रोक दिया। नाउ हाउ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूजफुल। 9th क्लास में पढ़ा था, फिर भी रिवाइज तो करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब इन हिंदी भी से फलीदार, जो सब्जियाँ होती हैं, जो दालें होती हैं उनको बोलते हैं। मोर स्पेसिफिकली आई कैन से दाल, दाल फली, फली जिसमें होती है, जैसे बीन्स, इसमें फलियाँ आती हैं। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज फॉर देयर प्रोटीन कंटेंट, उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपने लास्ट टाइम कुछ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, जिसको मैं हमने देखा था राइजोबियम। राइजोबियम में क्या कर रहे थे बच्चों, उसका अगर कटिंग भी हो गई ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट की, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में थे उस प्लांट के साथ, मतलब वो खाना पानी अपने लिए एनर्जी कहाँ से लेके आते थे, वो प्लांट उनको दे देता था, और वो क्या करते थे बदले में उसके लिए एयर में जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करके किसको दे देते थे? प्लांट को। और प्लांट क्या हो जाता था? प्रोटीन रिच हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन को तोड़ोगे, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। बेसिकली दैट मॉलिक्यूल इज डिजाइंड बाय द नाइट्रोजन ओनली ना। तो जब इन रिवर्स बैक्टीरिया को खाना दिया और बैक्टीरिया ने क्या दिया रिवर्स में? नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। तो लेग्यूमिनस प्लांट दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन कंटेंट। कमिंग टू दी, आपने एक राइजोमियम इनोकुलेशन सुना होगा। इनोकुलेंट में क्या करते थे, सीड को कवर कर देते थे राइजोबियम से, उसके बाद उसको सोइंग के लिए डालते थे। तो जब प्लांट ग्रो होता था तो वो धीरे धीरे वो राइजोबिया कहाँ पहुँच जाता था? रूट नोड्यूल्स में। और इससे क्या हो जाता था, सारे प्लांट क्या होते थे? दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन कंटेंट। अपार्ट फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, अदर प्लांट्स ऑल्सो कैन बी रिच इन प्रोटीन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। ये हमने लास्ट ईयर सीखा था। सो माइक्रोबियल इनोकुलेंट, लेट स्टार्ट। Some microbes containing inoculants are produced by the process of fermentation. These inoculants are spread. Fermentation मैंने आपको बताया anaerobic respiration होगा। Inoculant मैंने already आपको बताया जब when I was explaining you about lactobacilli। Inoculant क्या है? मैंने एक प्लेट दिखाई थी जिसपे खाना पानी रखा हुआ था, फिर मैंने वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया, और अब वो ऑर्गेनिज्म, ये जो अभी जो छोटा वाला जो स्ट्रक्चर रेडी है ना, जो ये कल्चर, कल्चर में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके मैंने रखे, इट इज नथिंग बट एन इनोकुलेंट। सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दीज इनोकुलेंट्स आर स्प्रेड ऑन द सीड्स
before sowing. So for that's the that how I have explained about the rhizobium. Similarly, वैसा ही करेंगे. And some of the inoculants are released into the plants. Microbes in the inoculants helps in plant growth by supplying nutrients. Rhizobium का मत भूलना, उसको nutrition provide कर रहा था. They improve the quality of vegetarian food. Protein rich content बढ़ा दिया था. Solution containing, अब rhizobium को तो साथ में रखो ही, इसको भी रखो. Solution containing as azotobacter and artificial nitrogenase is used in organic farming. अभी तो बहुत सारा एक बज़ बना हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ये सारी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से अच्छा है या आप ऐसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करो. सॉइल पोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड ड्यू फ्रॉम दिस. इसको अगर यूज़ किया तो फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद सॉइल ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड. रोग वो बोलते हैं ना छिड़काव करते हैं, तो उस टाइम पे ये केमिकल भी सॉइल में अंदर चला जाता है. दीज प्रूव टू बी हार्मफुल टू द अदर प्लांट्स एंड द एनिमल एज वेल एज इट कैन कॉज स्किन डिजीज टू ह्यूमंस जो उनके संपर्क में आए. दीज पेस्टिसाइड इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. वो भी माइक्रोब से करते हैं. अब ये जो देख रहे हो ये इतनी अच्छी खासी लीफ है, इसको कैटरपिलर ने अटैक कर दिया, तो कैटरपिलर ने इसको क्या किया, खराब किया है. ऐसे क्या होगा, आपकी जो फसल है उस पर भी बहुत ही प्रॉब्लम होगी. तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा माइक्रोब्स का रोल है, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड. व्हेन आई विल स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन वेरी डिटेल, बट अभी यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन जान लो कि कैसे वर्किंग करता है. बैक्टीरिया एंड फंगल टॉक्सिन विच कैन डिस्ट्रॉय द पेस्ट एंड पैथोजन कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इन टू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अभी आप अपने आगे जब बायोटेक्नोलॉजी आप चैप्टर चालू करोगे तो उसमें बीटी कॉटन, गोल्डन राइस जैसी चीज़ों के बारे में सीखोगे. दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट. उनके जीन में अभी तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 9वीं कक्षा में सीखा था, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरे एक्सप्रेस जो मेरे फिनोटाइप जो मेरा कैरेक्टर्स है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जीन. अगर जीन में चेंज तो कैरेक्टर में भी चेंज. यू ऑल एग्री विथ मी. तो अब क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं इनको इंसेक्ट आके अटैक करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यूज़ करती हूँ बायोटेक्नोलॉजी का और उनके जीन में ही चेंज कर देती हूँ. तो क्या हो जाता है, ये प्लांट रेजिस्टेंट हो जाता है. मतलब अगर उसने कोई इंसेक्ट ने आके उसको अटैक किया तो वो इंसेक्ट मरेगा, ना कि वो प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें हेल्प ली जाती है बायोटेक्नोलॉजी की और जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, जो हम जब बायोटेक्नोलॉजी सीखेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे. बींग टॉक्सिक टू द इंसेक्ट दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट. अगर इसे कैटरपिलर को पता चल गया कि मुझे इसको खाने से मेरी मृत्यु तय है तो क्यों खाएगा. तो इसीलिए प्लांट का वो जो एक जो आपकी फसल में नुकसान हो रहा था वो भी रुक जाएगा. सिमिलर टू बैक्टीरिया सम स्पीशीज ऑफ फंजाई एंड वायरस आर यूजफुल एज दी पेस्टिसाइड्स. बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई और वायरस को भी यूज करते हैं क्योंकि वहीं पे जीन को चेंज किया जाएगा. स्पाइनोसेड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ बायो पेस्टिसाइड. सो दिस इज द बायो पेस्टिसाइड. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड यस प्लास्टिक बैग्स को मैं भी अभी भी बोल रही हूँ, गवर्नमेंट से भी आया है प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं किया जाए क्योंकि उससे सिर्फ पोल्यूशन बढ़ रहा है, गार्बेज मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है. कैरी योर कपड़े का बैग ओनली या कॉटन का, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ मत करो. सो ये था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट सीखे, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सीखा, सब एक पूरा एक एस्पेक्ट जो पूरे माइक्रोबायोलॉजी के साइड थे वो सीखे. अब हमारा टारगेट क्या है, हम अवेयर तो हो गए कि माइक्रोब्स का रोल क्या है, बट अभी आपका सबसे बड़ा एम है एग्ज़ाम में मार्क्स को स्कोर करना. और उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ. आपकी एक्सरसाइज ये है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल जिसमें
पहला लिखोगे आप डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में तीन कॉलम बनाओगे, तीन कॉलम में फर्स्ट कॉलम में यस एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस फॉर्मेट ऑफ दिस टेबल ऑन इन योर ग्रुप ऑल्सो। तो अब ये जो टेबल है अभी इसका डिस्क्रिप्शन सुन लो और वो कंटेंट का जो टाइटल्स है वो मैं आपको भेज रही हूँ ग्रुप पे। इसको कैसे करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स लिखा, उसके बाद कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया और एप्लीकेशन क्या है। सिमिलरली पोल्यूशन कंट्रोल में बैक्टीरिया का नाम, फंजाई का नाम, कौन सा प्रोडक्ट दिया और एप्लीकेशन क्या है, ऐसे तीन कॉलम बनेंगे। ये क्यों बनाने को मैं बोल रही हूँ, बिकॉज पूरी बुक में, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा हाईलाइट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम, जो आपको किसी भी तरीके से याद करने ही हैं। सो लेट्स मेक अ टेबल एंड उसके बाद उसका धीरे धीरे रिविजन करेंगे, ताकि टेंथ की जब एग्ज़ाम आएगी तो यू आर प्रिपेयर। आई एम गोइंग टू सेंड यू द फॉर्मेट ऑफ दिस टेबल इन योर ग्रुप। Meanwhile, you revise this chapter and be ready to prepare that table. And yes, along with that, table को draw करने के बाद एक copy आप अपने पास रखना, that is in your notebook, and one copy मतलब supplement पे लिख के यहाँ पर class में उसको submit करना है। I'm going to check. Thank you.